कि मंगरी ढेकिया कुटे कह रहा है, ढेकिया कुटते कुटते प्राणी अमरिया छिछाई लगे। यदि जेपीएससी में रहता है कि मंगरी ढेकिया कुटे कह रहा है, ढेकिया कुटते कुटते प्राणी अमरिया छिछाई लगे, तमिलनाडु के आदमी समझते है। एक क्या उड़ीसा में और एक क्या गुजरात में, सारा वैकेंसी हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी मैन सारा चीज हो गया था। लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया, तो उनका इंटरव्यू का लेटर वगैरह गुजराती में भेजा गया। अब ना वो गुजराती समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी, जो राज्य सरकार है, वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मानकर चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 60% रिजल्ट क्यों कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम मिले, आपको बुलाए भी, अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष। सही बात। सभी प्रदेशों की लगभग लगभग यही कहानी है। अब किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में आपका माइनिंग का बोर्ड आया है, वहां तो स्पष्ट लिखा है क्या उड़िया भाषा सातवां आठवां का होना चाहिए।